ऑप्शन बाइंग का यूनिडायरेक्शनल ट्रेड तो बैंक निफ्टी में आज मिलना नहीं था, वो तो हमारी क्लैरिटी थी ही, क्योंकि कई दिन से मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था बैंक निफ्टी में, कहीं ना कहीं साइडवेज हो सकता था मार्केट। अगर आपने आज स्टोकेस्टिक आरएसआई लगा के ट्रेड लिया होता बैंक निफ्टी में, तो अपसाइड वाले सारे सिग्नल्स में आपको प्रॉफिट हुआ होता। मैंने इसीलिए बोला है कि अगर मार्केट की साइकिल्स को समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि मार्केट कब साइडवेज हो सकता है। दो तीन दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं साइडवेज की एक्सपेक्टेशन थी, तो ऊपर के जितने भी सिग्नल मिले अच्छे मिले, तो मान के चलिए 70 से 75% स्टोकेस्टिक आरएसआई ने जितनी बार भी आपको सिग्नल दिए उसमें आज आपको प्रॉफिट हुआ होता। हालांकि अब देख लीजिए कि हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं इंट्राडे लेवल पे कल, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज हो गया, तो क्या कल बैंक निफ्टी और ब्रेकआउट कर सकता है, यह सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। समझने की कोशिश कीजिए कि जो रेंज बनी हुई है बैंक निफ्टी की वो बहुत बड़ी रेंज है, इस रेंज को जब तक बैंक निफ्टी नहीं तोड़ेगा तब तक एक मोमेंटम आएगा नहीं। और दूसरी बात यह भी समझिए कि इस रेंज को बैंक निफ्टी तोड़ भी दे तो हो सकता है सस्टेन ना कर पाए। क्यों ना कर पाए, इसका जवाब है निफ्टी के चार्ट में। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर, हमारा जो 52,000 का राउंड फिगर है उसके ऊपर निकलता है, लेकिन निफ्टी एक रेंज में ही फंसा हुआ हमें दिखता है, तो बैंक निफ्टी अब इसे सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंटली बैंक निफ्टी एक डायरेक्शनल मूव दे चुका है। बार बार इंडिपेंडेंटली बैंक निफ्टी मूव नहीं दे पाएगा, निफ्टी को भी उसके साथ देना पड़ेगा, अगर साथ नहीं दे रहा है तो बैंक निफ्टी इसे अब सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो याद रखिए, अगर आपको यूनिडायरेक्शनल मतलब ऑप्शन बाइंग का ट्रेड चाहिए तो मैं कहूंगा निफ्टी में जाइएगा, बैंक निफ्टी को अभी इग्नोर कीजिए और सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेते हैं, तो यहां पे हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा अगर ऊपर निकलता है, और ऊपर निकलता है तो तुरंत निफ्टी का चार्ट भी देखिएगा कि क्या ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट। वो 23,600 का एक लेवल है, उसके ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों निकलते तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर बैंक निफ्टी इंडिपेंडेंट अलग से निकल रहा है तो हो सकता है वो सस्टेन न कर पाए, मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए। और क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग एक पेंडिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में, तो चांसेस ये हैं कि नीचे जा सकता है, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर 52,000 के लेवल को फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी तोड़ता है तो हमें निफ्टी के चार्ट से सिंक करना होगा। अगर सिंक में हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं, तो ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वरना हो सकता है मार्केट ऊपर ना जाए। उसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे आता है, तो हमें नीचे की तरफ ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी रेंज बनी हुई है, मार्केट इस रेंज में क्या करेगा वो हमें नहीं पता। अगर इसी रेंज के बीच में कहीं खुलता है, नीचे खुलता है, तो हम फिर से स्टोकेस्टिक आरएसआई लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट फिर साइडवेज हो सकता है, कहीं ना कहीं फंस सकता है। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है, इस लेवल 52,000 के आसपास कहीं खुलता है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि स्टोकेस्टिक आरएसआई ना लगाया जाए, क्योंकि मार्केट एक ब्रेकआउट कर सकता है अगर निफ्टी भी ऊपर निकलता है। और अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फिर हम स्टोकेस्टिक आरएसआई लगा के देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, ये कर सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तब स्टोकेस्टिक आरएसआई लगाने की कोशिश कीजिए, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो सिंक कीजिए कि निफ्टी भी ऊपर निकल रहा है कि नहीं। अगर मार्केट नीचे खुलता है तो स्टोकेस्टिक आरएसआई लगा के इस रेंज में हम ट्रेड ले सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में, हाफ क्वांटिटी में, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट। अगर मार्केट बहुत नीचे खुल जाता है तो याद रखिए कि इंपॉर्टेंट लेवल आपका 50,700 है, इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है नहीं। तो मार्केट अगर बहुत नीचे खुल जाता है, 700 को तोड़ता है, तो ही हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड लीजिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं कि इसमें भी एक रिस्क है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां बायर्स अक्यूमुलेट हुए हैं, यहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, बायर्स फिर अक्यूमुलेट हुए हैं, तो यहां मतलब ऑप्शन बायर्स बैठे हुए हैं, ऑप्शन बाई करके बैठे हुए हैं लोग। अगर तो मार्केट नीचे खुलता है तो ये इतनी जल्दी लॉस नहीं लेने वाले, ये ट्राई करेंगे कि मार्केट फिर से ऊपर चढ़े, तो बायर्स इतनी जल्दी लॉस नहीं लेंगे, और मार्केट ऊपर चढ़ने का एक रिस्क रखता है, तो नीचे की तरफ ट्रेड लेना बहुत रिस्की हो जाता है। तो अगर मार्केट नीचे खुलता है 700 तोड़ता है तो हम नीचे की तरफ हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग यही कहेगी कि मार्केट अगर नीचे खुला तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ऊपर की तरफ फुल क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट बहुत नीचे मतलब 51,000 के लगभग या 51,000 के नीचे कहीं भी खुल जाता है तो ऊपर की तरफ पहली ग्रीन कलर का कैंडल ब्रेक हो तो ऊपर की तरफ तुरंत फुल क्वांटिटी में ट्रेड ले लीजिएगा, क्योंकि ये लोग लॉस नहीं लेंगे, ये लोग ट्राई करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट इन सब लेवल पे आए, यही प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इसके पहले वो प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है। अब देखिए बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है और बैंक निफ्टी में क्योंकि बायर्स होल्ड करके बैठे हुए पोजीशन, तो ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने आ जाए। निफ्टी हो सकता है ना करे बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि कंसोलिडेटेड मोड है, लेकिन बैंक निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो अगर बहुत ऊपर खुलता है और हाफ क्वांटिटी में आप नीचे की तरफ ट्रेड लेना चाहें, अगर पहली कैंडल का
लो ब्रेक होता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। मैं जैसा कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं साइडवेज हो सकता है, साइडवेज या स्लो मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ट्राई कीजिएगा कि निफ्टी में ही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। अब बैंक निफ्टी की तो क्लैरिटी हो गई, हम निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में कहीं ना कहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिखा देगा, लेकिन रेंज में खुला, रेंज में ही फंसा रहा, हमें कोई अच्छी एंट्री नहीं मिली। हालांकि मैं ये मानता हूं कि 23,600 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। जब मार्केट लौट के फिर से 23,600 पे आया है तो यहां बहुत सारे लोगों ने इस कैंडल को देखे। मैं हमेशा से कहता हूं कि हर कैंडल में, हर कैंडल के पीछे कहानी होती है, आपको समझना पड़ेगा। जब मार्केट यहां देर तक कंसोलिडेट कर गया है तो मैं कई दिन से बता रहा हूं कि लोगों की समझ यही है कि 23,600 के लेवल पे मार्केट आएगा और उसे ब्रेकआउट कर देगा। एकदम करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम था 1:25, 1:30 कहीं, और ब्रेकआउट के लिए ये कैंडल बनी है। इस कैंडल के पीछे आप कहानी समझिए, इस कैंडल में यहां बहुत सारा अक्यूमुलेशन हुआ था और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने यहां पे अपनी पोजीशंस को ऐड किए हैं। हालांकि इतना स्ट्रांग पोजीशन ऐड नहीं हुई कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए। यहां पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, यहां पे सेलिंग भी होने की कोशिश हुई, लेकिन इस बात को समझिए कि मार्केट सेलिंग प्रेशर को बर्दाश्त कर ले गया। कैसे? क्योंकि इतनी तेजी से नीचे गिरा, अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता 23,600 से फिर से तो मार्केट यहां पे कहीं क्लोजिंग देता, नीचे आके क्लोजिंग देता, नीचे आके क्लोजिंग नहीं दिया, मार्केट फिर से ऊपर चढ़ा है। मतलब बायर्स वर इंटरेस्टेड टू बाई हियर एज वेल, गिरने के बावजूद बायर्स ने बाई किया है और उसके बाद मार्केट ऊपर के तरफ ही क्लोजिंग दिया है। तो इससे ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोग यहां पे अपनी कॉल साइड की पोजीशन बना के गए हैं ओवरऑल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। तो मार्केट अगर कहीं भी ऊपर के लेवल में खुल जाता है, इन सब लेवल पे खुलता है और ब्रेकआउट करता है, तो इन लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट तो होगा नहीं। अब यहां पे अगर आपने बाई किया है, सबने यहां पे बाई किया है और मार्केट यहीं खुलता है तो इन लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो यहां प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी। और प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी और ये लोग होल्ड करके बैठे हैं तो पोजीशन ऐड करेंगे तो क्या होगा, मार्केट बहुत अच्छा ब्रेकआउट कल सुबह दिखा सकता है। अगर फ्लैट खुलता है 23,600 के ऊपर कल सुबह अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है, एग्रेसिव एंट्री ऑलरेडी बहुत लोगों ने यहां पे बनाई है और यहां बना के रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर खुले तो बहुत तेजी से ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। तो इस चीज के लिए इंट्राडे लेवल पे तैयार रहिएगा कि 23,600 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो बहुत अच्छा निकलने की कोशिश कर सकता है। तो पहली 5 मिनट की कैंडल 23,600 के ऊपर अगर निकलने की कोशिश करती है तो आप एग्रेसिव एंट्री बना सकते हैं, हाफ क्वांटिटी में बनाइए। अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फुल क्वांटिटी वहां पे ऐड कर दीजिए अपनी, सो दैट मार्केट में अगर मोमेंटम आए तो अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है यहां पे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे आने की कोशिश करता है तब बहुत बड़ी गलती हो जाएगी बायर्स के लिए, क्योंकि यहां पे बाइंग हुई है, मार्केट नीचे आया फिर बाइंग हुई है और फिर अगर मार्केट फिर भी नहीं सस्टेन कर पा रहा है तो मैं जैसे मैंने कल भी बोला था कि अगर बायर्स यहां पे हारते हैं तो उनकी घनघोर बेइज्जती होगी कि इतने दिन से होल्ड करके रखे हो फिर भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हो, और यहां घनघोर अगर बेइज्जती हुई तो फिर बायर्स हार जाएंगे और सेलर्स उन पर हावी होकर मार्केट को बहुत तेजी से नीचे गिरा देंगे। तो कल कहीं ना कहीं मार्केट अगर नीचे निकलता है, याद रखिए 23,500 का एक इंपॉर्टेंट राउंड फिगर का लेवल है, इसके ऊपर ही इंपॉर्टेंट लेवल है 23,540-525 के लगभग इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको एक कंफर्मेटरी एंट्री चाहिए होगी। तो कीजिए ये कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, ऊपर जाने के बजाय 23,500 के नीचे निकलता है तो तुरंत फुल क्वांटिटी में ट्रेड लिया जा सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि फिर मार्केट अगला टारगेट रखेगा 23,400। अगर यहां थोड़ी देर कंसोलिडेट करके और नीचे गिरता है तो फिर मार्केट धकाधक गिरता ही चला जाएगा। यहां पे हो गया है बहुत घमासान युद्ध, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन यहां पे हो रहा है युद्ध निफ्टी में, मार्केट में आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन यहां पे बायर्स और सेलर्स लगातार लड़ रहे हैं। ऊपर की तरफ क्लोजिंग जरूर हो रही है लेकिन सेलर्स लगे हुए हैं कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर ना जा पाए, निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो यहां हो रहा है युद्ध, और युद्ध में अगर कोई जीतेगा तो बहुत तगड़ा जीतेगा, हारेगा तो बहुत बुरे तरीके से हारेगा, और एक साइड बड़ा अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। हारेंगे सेलर्स तब जब 23,600 का लेवल क्रॉस हो जाएगा, कल क्रॉस हो जाए वेरी गुड, मार्केट ऊपर निकल जाना चाहिए। और अगर 23,500 का लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो मार्केट फिर नीचे गिर सकता है, 23,600 को भी अगर बायर्स होल्ड नहीं कर पाए तब मार्केट में कोई स्थान नहीं बनेगा, बहुत तेजी से मार्केट गिरता जाएगा। निफ्टी में बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन बायर का, कल तो एटलीस्ट मुझे दिन दिखता है, अनटिल एंडलेस इसी रेंज में मार्केट फंसा है।
अब इसी रेंज में मार्केट टुक 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 करता रहेगा तो कोई ऑप्शन बायर का दिन नहीं मिलेगा, फिर से मार्केट ऊपर नीचे कर जाएगा और आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है, प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। 23,500 एक अच्छी एंट्री मिलेगी नीचे की तरफ और 23,600 एक अच्छी एंट्री मिलेगी ऊपर की तरफ, तो तैयार रहिएगा। अगर फ्लैट खोल के इन दोनों लेवल को मार्केट तोड़ता है तो अच्छी क्वांटिटी में आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा सिचुएशन ये हो जाती है कि मार्केट 23,500 के नीचे खुलता है, 23,500 के नीचे खुलता है, पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम ये मानेंगे मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। आज का ये जो स्विंग बना हुआ है 23,550 के लगभग, वहां तक तो एटलीस्ट मार्केट को आना चाहिए, तो हाफ क्वांटिटी में एक ट्रेड लिया जा सकता है कि 23,550 तक मार्केट आए। उसके बाद हमें देखना होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो ऊपर की तरफ फुल क्वांटिटी में ट्रेड, और अगर नहीं कर रहा और नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है, लॉट के नीचे आ रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि 23,400 के लगभग अगर मार्केट कंसोलिडेट करके गिरता है तो वह नीचे बहुत तेजी से गिर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक छोटा ट्रेड सुबह मिल सकता है और उसके बाद मार्केट कहां ब्रेकआउट करता है उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर खुल जाता है, ये ब्रेकआउट करके फिर से ऊपर खुलता है, तो याद रखिए बहुत दिन से हो यही रहा है कि मार्केट ऊपर खुलता है और एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो ऊपर खुलता है प्रॉफिट बुकिंग आती है, ऊपर खुलता है प्रॉफिट बुकिंग आती है। मेरा अब ये मानना कहता है कि मार्केट में यहाँ पे एंट्री मेनली हुई है, लोगों की बायर्स की एंट्री यहाँ पे काफ़ी हुई है। अगर मार्केट अब ऊपर खुलेगा तो इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, इन लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, जिसके कारण प्रॉफिट बुकिंग बहुत खास होनी नहीं चाहिए। तो अगर मार्केट ऊपर खुलता है और ग्रीन कलर की पहली कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मान के चलिएगा मार्केट अब रुकेगा नहीं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने आएगा बल्कि ऊपर ही चढ़ेगा। तो एक अच्छा यूनिडायरेक्शनल ट्रेड आपको मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर खुलता है, ऊपर ही निकलने की कोशिश करता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। ऊपर खुल के ऊपर निकलता है तो फुल क्वांटिटी में, ऊपर खुल के नीचे आता है तो ट्रेड मत लीजिएगा। देखिएगा कि मार्केट 23,600 के लगभग आके यहां कोई रिजेक्शन लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां ग्रीन कलर की कैंडल इंगल्फिंग कैंडल या आपकी इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनती है, तो हम ऊपर की तरफ एक ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। छोटा ATR बेस्ड स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट 1:3 का टारगेट ऊपर की तरफ निफ्टी में। अब जब भी ब्रेकआउट हो तो 1:3 मिनिमम टारगेट रखिएगा, क्योंकि अब मार्केट बड़ा मोमेंटम दिखाएगा। ऐसे ही दिनों का आपको इंतजार है, हालांकि काफी दिन से मार्केट कंसोलिडेट करता जा रहा है, रेंज तोड़ ही नहीं पा रहा है। जितनी भी हमारी पिछले दिन की रेंज बनती है उसी रेंज में ही क्लोजिंग दे देता है, कभी तोड़ नहीं रहा। ऊपर खुलता है तोड़ के पिछले दिन के रेंज में फिर एंट्री करके वहीं सस्टेन कर जा रहा है, ये बहुत परेशानी की बात है ऑप्शन बायर के लिए। लेकिन कल कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एग्रेसिव एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे लोग ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके गए हैं। अब मार्केट ऊपर खुलेगा तो अच्छा निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी निफ्टी में। सो गाइज, आई होप आपको सीखने को मिला हो। प्राइस एक्शन के बेसिस पर मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, अगर सीखने को मिला हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और धीरे धीरे करके आपको प्राइस एक्शन की एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी। थैंक यू गाइज़।